नाम इंडिया और काम भारत का विरोध। प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा था, चेहरे पर चेहरा चढ़ा लेते हैं लोग, सच्चाई कुछ और है। एक गाना बहुत मशहूर था, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं, कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार। दरअसल अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शनिवार यानी 5 अगस्त 2023 को एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख में अमेरिकी व्यवसायी के साथ चीनी सरकार के संबंध और न्यूज़क्लिक नामक वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल को मिल रही फंडिंग को लेकर खुलासा किया गया। हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे अभिसार शर्मा के विरुद्ध न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खुलासा करते हुए कांग्रेस और चीन के रिश्तों को उजागर कर दिया है, और कैसे अब खान मार्केट बिरादरी के पास सर छुपाने को जगह भी नहीं बची है। दरअसल मीडिया लाइन में सनसनीखेज खुलासे कोई नई बात नहीं है। इसके लिए बहुचर्चित न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स काफी बार चर्चा का केंद्र बनी रहती है। यूं तो हर बार न्यूयॉर्क टाइम्स भारत विरोधी चीजों को लेकर ही चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार भारतीय वामपंथियों के लिए प्रसन्न होने वाली कोई बात नहीं है। इस बार प्रतिष्ठित प्रकाशन ने अपनी खोजी निगाहें कुख्यात फर्जी समाचार विक्रेता अभिसार शर्मा और उसके मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक की ओर मोड़ दी है, जो चीनी प्रचार और फंडिंग के जाल को उजागर कर रहा। आखिर अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। थोड़ी देर रुकिए साहब, इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा मामला विस्तार से समझाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे न्यूज क्लिक के खुलासे ने चीन और कांग्रेस के पुराने रिश्तों पर से पड़ा पर्दा को उठा दिया है। दरअसल सारी रामकथा प्रारंभ हुई एक ग्लोबल वेब ऑफ चाइनीज प्रोपेगेंडा लीड्स टू यूएस टेक मुगल नामक अपने व्यापक खोजी लेख, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स शिकागो से शंघाई तक फैले एक वित्तीय नेटवर्क की गहराई से पड़ताल करता है, जो दुनिया भर में चीनी चर्चाओं को प्रसारित करने के लिए अमेरिकी संसाधनों का उपयोग करता है। इस नेटवर्क के पीछे का व्यक्ति नेविल रॉय सिंघम है, जो एक प्रकार से एक चीनी स्लीपर सेल को अमेरिका में संचालित कर रहा है। थॉटवर्क्स में अपने समय के दौरान चुपचाप वामपंथी कारणों को वित्त पोषित करने का खुलासा हुआ था। थॉटवर्क्स को $785 मिलियन में बेचने के बाद उनकी सक्रियता और तेज होती दिख गई। मनी ट्रेल के बाद एनवाईटी यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने महाद्वीपों में बहने वाले लाखों डॉलर का पता लगाया। दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक दल से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में यूट्यूब चैनलों और घाना और जाम्बिया में गैर लाभकारी संस्थाओं तक नेटवर्क का प्रभाव व्यापक था। यहाँ तक कि ब्राजील में भी पैसे को ब्रासिल डे फाटो नामक एक प्रकाशन तक अपना रास्ता मिल गया, जिसने शी जिनपिंग की प्रशंसा करते हुए भूमि अधिकारों पर लेख प्रस्तुत की। ऐसे में अब न्यूज क्लिक का चीनी कनेक्शन क्या है, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। असली कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। इसी लेख में न्यूज क्लिक के चीनी कनेक्शन पर भी चर्चा हो, जिसके पीछे 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने इस वामपंथी पोर्टल का द्वार एक बार खटखटाया था। न्यूज क्लिक पर वीडियो में चीन के इतिहास के प्रति प्रशंसा व्यक्त की गई और श्रमिक वर्गों के लिए प्रेरणा का दावा किया गया। इस तरह का जबरदस्त प्रचार साइट की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता के बारे में गंभीर सवाल उठाता, खासकर जब से यह फासीवादी ताकतों द्वारा बेरोजगार पत्रकारिता की आवाज होने का दावा करता है। ध्यान रहे, न्यूज क्लिक को प्रारंभ से कई वामपंथियों का घोर समर्थन प्राप्त है, जिसमें से कुछ तो भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपित भी साबित हो चुके हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा आगे की जांच से पता चला कि ये समूह निकट समन्वय में काम करते थे। लेखों को क्रॉस पोस्ट करना, सोशल मीडिया पर सामग्री साझा करना और यहाँ तक कि स्टाफ सदस्यों और कार्यालय स्थानों को साझा करना आम प्रथा बन चुकी थी इनके लिए। नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ और गुप्त था, अक्सर अपने संबंधों का खुलासा किए बिना साक्षात्कार आयोजित करता था।
इस जांच के नतीजे निस्संदेह दूरगामी होंगे। पत्रकारिता की निष्ठा, विश्वसनीयता और स्वतंत्रता पर सवाल जायज होंगे। जनता मीडिया आउटलेट और पत्रकार से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करेगी। हो सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अनजाने में ही भारतीय मीडिया की दुनिया में पुनर्गणना शुरू कर दी हो, ऐसे कंकालों को उजागर किया हो जिनके बारे में कई लोगों को उम्मीद थी कि वे दबे रहें। 2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बातें उठाई थी। रिपोर्ट के अंश के अनुसार पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को जो 38 करोड़ रुपए की बड़ी फंडिंग मिली थी, उसका मुख्य स्रोत इसी कारोबारी को माना जा रहा है, जिसके संबंध चीन से बताए जा रहे हैं। वेबसाइट को ये रकम 2018 से वर्ष 2021 के बीच विदेश से भेजी गई थी। कारोबारी नेविल रॉय सिंघम के संबंध चीन के सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि सीपीसी के एक प्रोपेगेंडा संगठन से, भीमा कोरेगांव हिंसा से भी इस न्यूज पोर्टल के तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो रकम इसे मिली उसका कुछ हिस्सा तथाकथित एक्टिविस्ट को गया था। इसमें एल्गोर परिषद का गौतम नलखा का नाम भी शामिल है, जो फिलहाल जेल में बंद है। न्यूज क्लिक के संस्थापक और मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्था से संबंधों को लेकर ईडी ने जेल में ही गौतम नौलखा से पूछताछ भी की है। वेबसाइट को जो रकम मिली उसके एक बड़े हिस्से को उसने सेवाओं का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के रूप में प्रदर्शित किया है। पुरकायस्था ने सिंघम के सीपीसी से संबंध होने या फिर खुद के पोर्टल के चीनी सरकार से संबंध होने से हालांकि साफ इनकार कर दिया था। भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता का असली चेहरा सामने आ गया। या अब जब स्वयं वामपंथियों के अघोषित अब्बा न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात पर प्रकाश डाला है, तो निस्संदेह ये बात अनदेखी नहीं जाएगी। YouTube पे विगत कुछ वर्षों से ऐसे पत्रकारों की संख्या तेजी से बढ़ी है जिन्हें रीच या सब्सक्राइबर मिले न मिले लेकिन डोनेशन भरपूर मात्रा में मिलती है, ताकि स्वतंत्र पत्रकारिता बुलंद रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा लगाए गए आरोपों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अमेरिकी तकनीकी मुगल और चीनी प्रचार के बीच संबंध इस बात को लेकर चिंता पैदा करता है कि चीन के प्रभाव की लंबी भुजाएं मीडिया में घुसपैठ करके और कहानियों को आकार देकर कितनी दूर तक फैली होगी। देशों और राजनीतिक संस्थाओं के लिए जनता की राय को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए मीडिया आउटलेट को सॉफ्ट पावर टूल के रूप में उपयोग करना असामान्य नहीं है। हालांकि जब पत्रकारिता और प्रचार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है तो यह मीडिया पर जनता के विश्वास को खत्म कर देती है, और कई हद तक मीडिया पर से जनता का विश्वास खत्म हो ही गया है। हमारे और आप जैसे मीडिया पत्रकार बंधु जब जनता के बीच में जानते हैं तो जनता के मुंह से बस इतना सुनाई देता है कि मीडिया बिकी हुई है। और आज जनता के मन में ये प्रभाव कैसे पड़ा, न्यूज क्लिक पर हुए इस खुलासे से साफ पता चल गया। समाचार के उपभोक्ताओं के रूप में हमें उन स्रोतों के बारे में सतर्क और समझदार होना चाहिए जिन पर हम और आप भरोसा करते हैं। सूचनाओं की अधिकता और बड़े पैमाने पर गलत सूचनाओं के युग में किसी भी बात को सच मानने से पहले तथ्यों की जांच और सत्यापन करना महत्वपूर्ण है। जितनी तत्परता से पत्रकार अधिकारों के लिए लड़ते हैं, क्या उतनी ही तत्परता से हम और आप अपने दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं? जहां न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच ने न्यूज क्लिक की संदिग्ध प्रकृति और उसके संबंधों को उजागर किया है, वहीं यह भारत में मीडिया की व्यापक स्थिति पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। देश की मीडिया परिदृश्य तेजी से ध्रुवीकृत हो गया है। मीडिया आउटलेट विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और निहित स्वार्थों के साथ जुड़ गए हैं। समाचार उपभोक्ताओं के रूप में यह जरूरी है कि हम और आप विविध दृष्टिकोणों की तलाश करें और विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सूचित रहें। सत्ता के साथ जवाबदेही आती है और पत्रकारों को सच्चाई और सार्वजनिक हित की सेवा करने के अपने कर्तव्य से कभी चूकना नहीं चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच भारतीय मीडिया परिदृश्य के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य कर रही है। यह यूट्यूब पत्रकारों की वर्तमान पीढ़ी की उचित जांच की मांग करता है जो निरंकुश चीनी शासन के प्रति नरम रुख रखते हैं। जैसे जैसे भारत का मीडिया परिदृश्य इस महत्वपूर्ण मोड़ से गुजर रहा है, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सच्चाई, सटीकता और पत्रकारिता की अखंडता को प्राथमिकता देनी चाहिए कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा इंडियन मुजाहिदीन जैसे नामों को हवाले देते हुए कहा था कि केवल देश के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर न्यूज क्लिक और न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे के बीच में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहां से आ गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की यह बात सही साबित हुई।
विपक्ष ने जनता को दिखाने के लिए अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया तो कर दिया, लेकिन इस गठबंधन का काम असल में भारत का विरोध करना था। यानी नाम इंडिया और काम भारत का विरोध। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीनी इशारे पर चलने वाली भारत विरोधी गतिविधियों का खुलासा किया है। इस खुलासे से मोदी सरकार के उन आरोपों को बल मिला है जिसके तहत बार बार मोदी सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि भारत की छवि बिगाड़ने के उद्देश्य से विदेशी शक्तियां जो अभियान चला रही हैं उसमें हमारे देश के भी कुछ लोग शामिल हैं। और वो कुछ लोग कौन से परिवार के लोग हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा अगर आप जानते हैं। अमेरिकी अखबार का खुलासा यह भी दर्शाता है कि भारत में अब राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि रखने के चलते प्रधानमंत्री मोदी से न सिर्फ विपक्षी राजनीति के परेशान हैं, बल्कि बड़े बड़े कुछ बाहरी विदेशी देश भी परेशान हैं। कुछ विदेशी देश के सरकारें भी परेशान हैं। हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि चीन से मिली फंडिंग के जरिए मोदी और भारत के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स वही अखबार है जिसे घोर मोदी विरोधी माना जाता है। यानी अगर मोदी विरोधी इस बात का खुलासा करें कि कैसे भारत विरोधी अभियान चल रहा है तो उसकी रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज जो कहा है उसे भारत सरकार पहले से कहती रही है। इसलिए विदेशी शक्तियों से निर्देश और पैसे प्राप्त करने वाले न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिप पर ईडी ने पहले ही छापेमारी करके कार्रवाई भी की थी, लेकिन तब इसे अभिव्यक्ति की आजादी, यहाँ हमारे देश में ये जो आजादी है इसके दम पर कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अराजक तत्व है जो फल फूल रहे हैं, वो है अभिव्यक्ति की आजादी। और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए एडिटर्स गिल्ड और कुछ बुद्धिजीवी विरोध में खड़े हो गए। लेकिन अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा खुलासा किया है तब इन सभी के मुंह पर ताले पड़ गए हैं। जो हाल आज संसद में देखने को मिला, जो राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार और मोदी विरोध में तत्पर रहते थे, मुंह बंद नहीं रखते थे, आज वही राहुल गांधी चुपचाप सन्नाटे में कहीं कोने में पड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर राहुल गांधी पर सवाल दागे जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी एक जवाब नहीं दे पाए। उनकी चुप्पी इस बात को साफ बताती है कि न्यूज क्लिक का सी, चाइना का सी और कांग्रेस का सी एक ही है। यानी कि ये तमाम लोग अलग अलग दिखाते हैं लेकिन इनका काम करने का तरीका, इनका देश विरोधी प्रोपेगेंडा एक ही जड़ से चलता है। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। कारण ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को ये मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है, और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकाश उसका मालिक है, उसके सारे पैसे में कहां कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।